अब थंबनेल टाइटल पढ़ने के बाद आपको शॉक जरूर से लगा होगा कि भाई GTA 6 सच में GTA सीरीज का लास्ट गेम हो सकता है, सच में रॉकस्टार इस सीरीज को किल करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि GTA 6 शायद से GTA सीरीज का लास्ट गेम हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ ना तो ये बहुत ही बड़ी शॉकिंग वाली न्यूज हो जाती है, क्योंकि GTA सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसे हम बहुत सालों से खेलते आ रहे हैं और उससे हम लोग ने काफी सारी मेमोरीज भी बनाई हैं। लेकिन दोस्तों रॉकस्टार इसी फेमस सीरीज को GTA 6 के बाद किल करना चाहता है। ऐसा मैं मेरी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, कुछ ऑथेंटिक लीक्स्टर्स हैं जो ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, जिनमें से एक है टॉम हेंडरसन, जो पहले लीक्स्टर थे जिन्होंने ये बताया कि भाई GTA 6 के बाद कोई नया GTA का गेम नहीं आने वाला। ऐसी कौन सी मजबूरी आ पड़ी है रॉकस्टार के ऊपर जो GTA जैसी पॉपुलर सीरीज को किल कर रहा है, जानेंगे इसी वीडियो में, तो ये वीडियो एंड तक पूरा जरूर देखना। उसी के साथ साथ ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता चले कि भाई GTA सीरीज खत्म होने वाली है। तो चलिए गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको सिर्फ सुनो मत, करो भी। पहले वीडियो को लाइक करो, फिर वो सब्सक्राइब बटन दबाओ और फिर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। दोस्तों गेमिंग इंडस्ट्री में मल्टीप्लेयर मोड की पॉपुलैरिटी बहुत पहले से है, और इसी रीजन से पॉपुलर गेम फ्रेंचाइज अपने गेम्स को स्टोरी मोड से मल्टीप्लेयर मोड में सेट कर रहे हैं। जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी वालों ने स्टोरी मोड के साथ साथ ऑनलाइन बैटल रॉयल मोड भी दे दिया, NFS ने भी ऑफलाइन और क्विक रेस मोड के साथ साथ ऑनलाइन मोड भी डाल दिया, और इन्हीं सब से इंस्पिरेशन लेके रॉकस्टार ने GTA 4 में भी स्टोरी मोड के साथ साथ ऑनलाइन मोड डाल दिया। लेकिन दोस्तों GTA 4 का ऑनलाइन मोड इतना अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं था, और इसी चीज को रॉकस्टार ने इम्प्रूव करके GTA 5 के साथ लॉन्च कर दिया, जिसे आज हम GTA ऑनलाइन के नाम से जानते हैं। दोस्तों GTA ऑनलाइन रॉकस्टार को कचरे जैसा पैसा कमा के दे रहा है, लाइक 9 साल बाद भी GTA के सेल्स कम नहीं हुए। वो इसलिए क्योंकि GTA ऑनलाइन को एक्सेस करने के लिए आपके पास एक कोड होना चाहिए, और वो कोड GTA की ऑफिशियल CD पर ही होगी जो आपको मार्केट से खरीदनी पड़ेगी, आपको डाउनलोड करके वो कोड नहीं मिलेगा। दोस्तों GTA ऑनलाइन रॉकस्टार के सामने काफी सारे ऑप्शंस रख देता है, जैसे कंपनी का टाइम और पैसा दोनों बच सकता है, और अगर कंपनी का पैसा और टाइम दोनों बच रहा है तो वो क्यों ही नया गेम बनाएगी। उन्हीं ऑप्शंस का यूज करके कंपनी कम टाइम और कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा पैसे कमा सकती है, और ये एक रीजन बन जाता है GTA 6 के बाद कोई नया GTA गेम ना आने का। दोस्तों रॉकस्टार ने अपने हर GTA गेम में प्लेयर्स को नई चीजें दिखाई है, नई चीजें एक्सप्लोर करने दी है, और इसीलिए प्लेयर्स के एक्सपेक्टेशन हर नई GTA गेम से बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो चाहे वो GTA San Andreas हो, GTA 4 हो, GTA 5 हो, या अभी आने वाला GTA 6 हो, और इसी बढ़ते एक्सपेक्टेशन को कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने के लिए रॉकस्टार GTA 6 के बाद कोई भी नया GTA गेम नहीं लाएगा, क्योंकि एज अ ऑडियंस एज अ प्लेयर एक्सपेक्टेशन हमारे लिए नॉर्मल है, लेकिन वो एक टाइप का प्रेशर क्रिएट करता है उन लोगों पर जो गेम डेवलप करते हैं या रॉकस्टार के जो एम्प्लॉयज हैं, और इसीलिए ये भी एक रीजन बन जाता है GTA सीरीज एंड होने का। हर नया GTA का गेम डेवलप करते वक्त रॉकस्टार, या यूं कहूं रॉकस्टार के एम्प्लॉयज बहुत प्रेशर में होते होंगे, प्रेशर दुनिया का सबसे बेस्ट गेम बनाने का, प्रेशर अपने फैंस के एक्सपेक्टेशंस को मीट करने का, प्रेशर अपने प्रीवियस GTA गेम्स से भी अच्छा GTA गेम बनाने का। इस सब के बीच एक और प्रेशर है, वो है डेडलाइन को फॉलो करने का, नहीं तो फिर हो जाएगा सीन GTA 6 की तरह, जहां पर अगर GTA 6 2023 या 2024 तक आ जाता है तो GTA 5 और GTA 6 का गैप 10-12 साल का हो जाएगा, और शायद अपने एम्प्लॉयज का यही सब प्रेशर खत्म करने के लिए रॉकस्टार GTA 6 के बाद कोई नया GTA का गेम नहीं लाएगा। दोस्तों मैंने इस वीडियो के पहले पॉइंट में कहा था कि GTA ऑनलाइन ने रॉकस्टार को बहुत सारे ऑप्शंस खोल के दिए हैं, जिनमें से एक है मैप का। दोस्तों अगर GTA जैसा कोई गेम डेवलप करना हो ना तो उसका सबसे ज्यादा टाइम खाता है मैप को डिजाइन करना, और इसी का इजी सॉल्यूशन GTA ऑनलाइन रॉकस्टार को देता है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों GTA ऑनलाइन के लिए रॉकस्टार फ्रीक्वेंट अपडेट्स देता रहता है, जिसमें वो नए मिशंस, नए वेपन्स, नए कपड़े, नए व्हीकल डालते रहता है। ऐसा ही एक अपडेट था दोस्तों जिसका नाम था कायो पेरिको हाइस्ट, जहां पर रॉकस्टार ने नए मिशंस के साथ साथ GTA 5 के मैप को एक्सटेंड किया। इसका मतलब ये कि GTA 5 के मैप में ही एक अलग सा आइलैंड डाल दिया जहां पर वो मिशन होने वाले थे। तो दोस्तों इससे एक पॉसिबिलिटी ये खुल जाती है कि अगर रॉकस्टार को कोई सिटी ऐड करनी हो तो वो GTA 6 के मैप में ही ऐड कर देगा, उसको अलग से गेम बनाने की जरूरत नहीं है, जिससे रॉकस्टार का पैसा और टाइम दोनों बचेगा। और इसीलिए दोस्तों ये भी एक रीजन बन जाता है कि भाई GTA 6 के बाद कोई नया GTA गेम क्यों नहीं आएगा।
दोस्तों आपने इसके बारे में तो सुना ही होगा कि जो चीज़ शुरू होती है वो ख़त्म भी हो जाती है, और यही बात GTA सीरीज पर भी अप्लाई होती है, और मेरे हिसाब से होनी भी चाहिए, क्योंकि नहीं तो रॉकस्टार अगर COD, असेशन क्रीड, फीफा, क्रिकेट इन लोगों की तरह अपनी सीरीज बढ़ाता गया ना, तो वो मीनिंगलेस हो जाएगी। आपको तो पता ही होगा कि COD, फीफा, क्रिकेट ये लोग अपने गेम हर साल लाते हैं, और अगर रॉकस्टार GTA के लिए वही सब करता रहा ना, तो GTA की पूरी लीगेसी खत्म हो जाएगी। इससे बेटर तो ये है कि रॉकस्टार GTA सीरीज को किल ही कर दे। तो बस दोस्तों ये थे कुछ रीजन जिसकी वजह से रॉकस्टार GTA 6 के बाद GTA सीरीज को किल कर सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कि GTA सीरीज का एंड होना चाहिए या नहीं, वो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। उसी के साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मचाते रहो यार।